बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर। हम आज साइंस बुक में यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों, बुक में पेज नंबर 6 से शुरू होता है हमारा यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एनिमल्स। तो एनिमल्स, आपको पता होगा कि एनिमल्स जो है वो हम जानवरों को कहते हैं, जैसे कि बिल्ली है, कुत्ता है, हाथी है, तोता है, डक है। ये मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं। मुख्तलिफ एनिमल्स की पिक्चर आपके बुक में पेज नंबर 6 पे दी गई है। आप देख सकते हैं कि हर एनिमल जो है उसका कलर, यानी उसका रंग जो है, दूसरे एनिमल से, दूसरे जानवर से मुख्तलिफ है। और आप देख सकते हैं कि हर जानवर जो है वो दूसरे जानवर से शक्ल में भी मुख्तलिफ है। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम जो जो जिन जिन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर लेती हूँ। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, और कुछ स्मॉल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल एनिमल्स मीन छोटे जानवर। कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड एनिमल्स मीन जंगली जानवर। और कुछ यूज़फुल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे हमें कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है। ये तो थी यूनिट नंबर 2 की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, और इसके बाद हम हर टॉपिक जो है वो तफसील से पढ़ेंगे। तो बच्चों, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जानवर जो है उनकी शक्लें और रंग जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो आपकी बुक में भी यही लिखा गया है। तो आइए इसकी हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। एनिमल्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड कलर्स। तो शेप्स मीन शक्लें, और कलर मीन शक्लें या अशकाल भी हम कह सकते हैं, और कलर्स मीन रंग। तो इसका ये मतलब है कि एनिमल जो है जानवर, वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं। तो आइए बच्चों, इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 7 पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के बारे में। तो आपके बुक में मुख्तलिफ इंसेक्ट्स की पिक्चर्स दी गई है। अच्छा, तो क्या आप इंसेक्ट्स को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो अभी मैं आपको इनकी पहचान करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले है बटरफ्लाई, बी फ्लाई, आंट एंड लेडी बर्ड। इन सब को हम कहते हैं इंसेक्ट्स। ये बहुत छोटे जानवर होते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स में कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेंगते हैं या ज़मीन पे चलते हैं, और इंसेक्ट्स में कुछ जो है वो उड़ते हैं, उनके विंग्स होते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई को आप देख सकते हैं, इनके विंग्स हैं। विंग्स हम कहते हैं परों को। तो ये अपने परों की मदद से उड़ते हैं। और आप भी, यानी शहद की मक्खी जो है, इसको भी आप देख सकते हैं कि इसके भी विंग्स हैं, और विंग्स के ज़रिए ये उड़ते हैं। और प्लाई जो है, प्लाई भी इसी तरह, इसके भी विंग्स होते हैं, विंग्स के ज़रिए ये भी उड़ती है। फिर देखिए आंट जो है, आंट और लेडी बर्ड, ये दोनों जो है ये ज़मीन पे रेंगते हैं या चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के बारे में बताया कि ये बहुत छोटे जानवर होते हैं, और इनमें से कुछ जो है वो ज़मीन पे रेंगते हैं या चलते हैं, और कुछ जो है वो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि आपके बुक में लिखा गया है। तो आइए इसकी हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन कीड़े मकोड़े या हशरात। Insects are very small animals. They crawl. Many insects also fly. अच्छा, insects are very small animals. तो insects जो है small animals mean छोटे जानवर। तो insects जो है ये बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं। आप book में भी इनको देख सकते हैं, ठीक है। They crawl. Crawl mean रेंगना। ये ज़मीन पे रेंगते हैं। Many insects also fly. और ज़्यादातर insects जो है वो हवा में उड़ते हैं। अच्छा, तो बच्चों, मेरे ख़्याल से अब आपको insects की समझ भी आ गई होगी, और आपको पहचान भी हो गई होगी, ठीक है। तो मैंने आपको तफसील से हर insects के बारे में बताया। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं पेज नंबर 8 की तरफ।
जहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है और उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की तस्वीरें भी दी गई है। तो आइए इन सब को पढ़ते हैं और इन सब जानवरों को हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले है स्पैरो, फिर है स्क्विरल, फिर है रैबिट, इसके बाद है पैरट, फिर है कैट, इसके बाद है माउस, फिर है गोल्डफिश, इसके बाद है डॉग। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर है। इन सब जानवरों को हम कहते हैं स्मॉल एनिमल, जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, तो बच्चों ये स्मॉल एनिमल्स जो है, ये सारे जानवर जो है, ये मुख्तलिफ जगहों में रहते हैं। तो सबसे पहले स्पैरो जो है, स्पैरो एंड स्क्विरल, ये जो है आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है कि ये जो है ये दरख्तों पे रहते हैं। क्रो, स्पैरो एंड स्क्विरल, ये तीनों जो है ये दरख्तों पे रहते हैं। अच्छा, फिर है रैबिट, एंड माउस, ये जो है ये ज़मीन के अंदर सुराख बनाते हैं और उसके अंदर ये रहते हैं। और कैट और डॉग जो है, इन दोनों को हम कहते हैं पेट्स। इनको हम पेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम अपने घरों में रखते हैं या पालते हैं। तो वो एनिमल्स जिनको हम अपने घरों में रखते हैं उनको हम कहते हैं पेट्स। पेट्स मीन पालने वाले जानवर। अच्छा, स्मॉल एनिमल्स, तो जैसे कि हमने यहाँ इस पिक्चर में सारे एनिमल्स को पढ़ा, तो अब इसकी हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। माइस, रैबिट्स, स्क्विरल्स, कैट्स एंड डॉग्स आर स्मॉल एनिमल्स। तो ये सारे जो है ये हमारे पास छोटे एनिमल्स है, छोटे जानवर है। वी कीप कैट्स एंड डॉग्स एज पेट्स, हम बिल्ली और कुत्तों को अपने घरों में रखते हैं या पालते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इस पिक्चर में मैंने आपको कैट और डॉग के बारे में यही बात बताई, तो ये आपके बुक में भी लिख की गई है। अच्छा, फिर है स्क्विरल एंड बर्ड्स। अच्छा, स्क्विरल और बर्ड्स जो है ये क्या करते हैं, ये दरख्तों पे रहते हैं। स्क्विरल एंड बर्ड्स लिव इन ट्रीज, तो गुलहरियाँ और परिंदे जो है वो दरख्तों पे रहते हैं। माइस एंड रैबिट्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड, तो माइस जो है चूहा और रैबिट्स जो है यानी खरगोश, वो ज़मीन के अंदर सुराख बनाते हैं, होल्स जिसे हम कहते हैं होल्स, तो वो ज़मीन के अंदर सुराख में रहते हैं। ग्राउंड हम कहते हैं ज़मीन को। अच्छा, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है माइस, ठीक है, तो माइस जो है वो प्लूरल है माउस का, ठीक है। जिस तरह आप लोग सिंगुलर और प्लूरल तो जानते होंगे ना, सिंगुलर वाहिद और प्लूरल जो है जमा, यानी माउस की जमा है माइस। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, और अब मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है उनकी मीनिंग्स बताऊंगी और आपको समझाऊंगी कि आपने इसको नोटबुक में किस तरीके से नोट करना है। अच्छा बच्चों, तो आप इस तरह करेंगे, जिस तरह हमने यूनिट नंबर 1 जो है, जिस तरीके से हमने यूनिट नंबर 1 नोटबुक में लिखा है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने ये यूनिट जो है ये भी अपनी नोटबुक में नोट करना है। आप जो है जहां आपका यूनिट नंबर 1 फिनिश हुआ है, उसके बाद जो न्यू पेज है वहाँ आप लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में आप लोग लिखेंगे यूनिट नंबर 2, और सेकंड लाइन में जिस तरह हमने यूनिट नंबर 1 में लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से। फिर सेकंड लाइन में लिखेंगे एनिमल्स, जो यूनिट नंबर 2 का नाम है। फिर कंटेंट्स, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, मैच द कॉलम्स, येस नो क्वेश्चंस, ये आप अलग पेज पे सब कुछ लिख देंगे। तो फिर आप निकालेंगे न्यू पेज, और न्यू पेज में फिर आप उसी तरह फर्स्ट लाइन में लिखेंगे वर्ड्स मीनिंग, और आप दरमियान में इसी तरह लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे।
तो चले बच्चों, अब मैं आपको टिपिकल वर्ड्स जो है इनकी मीनिंग समझाती हूँ और आप लोग इसी तरीके से अपने नोटबुक्स में इनको नोट करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है एनिमल्स। एनिमल्स मीन जानवर। एनिमल्स, एनिमल्स मीन जानवर। फिर है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन कीड़े मकोड़े। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन तितली। लेडी बर्ड, लेडी बर्ड मीन बूनरा। स्क्वेरल, स्क्वेरल मीन गुलहरी। कैट, कैट मीन बिल्ली। कीप, कीप मीन रखना। ट्रीज, ट्रीज मीन दरख्त। ग्राउंड, ग्राउंड मीन ज़मीन। शेप्स, शेप्स मीन शक्लें या अशकाल। क्राउल, क्राउल मीन रींगना। बी, बी मीन शहद की मक्खी। आंट, आंट मीन चिवेंटी। रैबिट, रैबिट मीन खरगोश। डॉग, डॉग मीन कुत्ता। पेट्स, पेट्स मीन पालने वाले जानवर। लिव, लिव मीन रहना। कलर्स, कलर्स मीन रंग। फ्लाई, फ्लाई मीन उड़ना। बस तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप जो है डेली लेक्चर की रिवीजन करें, इसकी दोहराई करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।